साल 1903 था, वह जगह थी उड़ीसा और मंदिर का नाम था कोणार्क सूर्य मंदिर था। उसी वर्ष कोणार्क मंदिर का मुख्य द्वार अचानक बंद कर दिया गया था, जो पूरी तरह से रेत और बजरी से ढका हुआ था। इस घटना को लगभग 118 साल बीत चुके हैं, लेकिन भारत सरकार ने आज तक इस दरवाजे को नहीं खोला है। जब आप कोणार्क मंदिर जाते हैं तो आपको मंदिर का मुख्य द्वार बंद दिखाई देता है। फिर आपके मन में एक प्रश्न होता है, यह दरवाज़ा क्यों बंद किया गया है। आप इस मंदिर क्षेत्र में घूम सकते हैं, लेकिन इस मंदिर की भव्यता और रहस्य इस मंदिर के बीच में मुख्य द्वार के अंदर मौजूद है। इस मंदिर के कई रहस्य जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह मंदिर अधूरा है। यह अधूरा मंदिर ही खास बात है। यह मंदिर स्थापित है, सैकड़ों वर्ष तक यह मंदिर रेत से दबा रहा। मंदिर में 52 टन का एक चुंबक लगा हुआ था। इस मंदिर को बनाने वाले शिल्पकार ने आत्महत्या कर ली थी। यह भी कहा जाता है कि रात के समय इस मंदिर में नर्तकियों की आवाज़ें आती हैं। ऐसे कई राज हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता के कारण वह देश के 10 सबसे बड़े मंदिरों में से शामिल होना चाहता है। कोणार्क सूर्य मंदिर पूरे उड़ीसा शहर से लगभग 23 मील दूर नीले पानी की प्रसिद्धा चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर पूरी तरह से सूर्य देवता को समर्पित है। मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक रथ के सामने 12 राक्षस हैं और उसके साथ शक्तिशाली बड़े घोड़े खींचे जा रहे हैं। इस रथ पर सूर्य देवता बैठे हुए दिखाई दिया गया है। इस मंदिर से आप सीधे सूर्य देवता के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के ऊपर उगते और डूबते सूरज को पूरी तरह से देखा जा सकता है। सूर्य उदय के समय मंदिर का नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है, मानो सूर्य का लाल रंग पूरे मंदिर में फैल गया हो। मंदिर के आधार को सुशोभित करने वाले 12 चक्र वर्ष के 12 महीनों को प्रभाषित करते हैं और प्रत्येक दिन के 18 पहरों को प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर के 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से पहला सूर्य की किरणों के संपर्क में था और कहा जाता है कि मंदिर की मूर्ति में कांच या हीरे जैसी धात से प्रवेश किया गया था, जिसे इसकी छाया पर बनाया गया था दृश्य। वही मंदिर की कलाकृति से इंसानियों को हाथियों और शेरों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यह धन और गौरव का प्रतीक भी है और ज्ञानवर्धक भी है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस रोग की शुरुआत भगवान कृष्ण के पुत्र संभा के श्राप से हुई थी। इससे बचने के लिए उन्हें सूर्य देव की पूजा करने की सलाह दी गई थी। संभे ने चंद्रभागा नदी के संगम पर 12 साल तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया और उनकी बीमारी ठीक हो गई। इसके बाद संभे ने भगवान सूर्य देवता का मंदिर बनाने का फैसला किया। बीमारी का पता चलने के बाद चंद्रभागा नदी में स्नान करते समय सूर्य देवता की एक मूर्ति मिली। इस मूर्ति को विश्वकर्मा जी ने बनाया था। सांभा ने मित्रावान में अपने द्वारा बनाए गए सूर्य मंदिर में मूर्ति स्थापित की और तब से इस स्थान को पवित्र माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ आज भी नर्तकियाँ की आत्माएं आती है। लोगों को माने तो आज शाम भी आपने उसके नर्तकों के प्रतिचिन्ह सुने होंगे, जो कभी यहाँ राजा के दरबार में नृत्य करते थे। मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के रूप में किया गया है, जिसके बीच में लोहे की प्लेटों को मंदिरों के खंभों को रखा गया है। यह भी कहा जाता है कि मंदिर के शीर्ष पर एक 52 टन का चुंबक रखा गया था, जिसे इन स्तंभों द्वारा संतुलित किया गया था। इससे भगवान सूर्य देव की मूर्ति हवा में तैर रहती थी। इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। कहा जाता है कि चुंबक को किसी विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। और यह भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक ने समुद्र से गुजरने वाले नावों और जहाज़ों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जो लोहे से बने थे। इससे नाविकों को अपनी नाव को बचाने के लिए चुंबक को बाहर निकालना पड़ा। यह पत्थर केंद्रीय पत्थर के रूप में कार्य करता है और उस कारण मंदिर के अन्य सभी पत्थरों संतुलित में थे। इसे हटाने से स्तंभ का संतुलन बिगड़ गया और मंदिर को नुकसान पहुंचा। लेकिन इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं है और ना ही चुंबकीय पत्थर का कोई वर्णन है। वर्ष 1568 में उड़ीसा के मुसलमानों का आतंक था। मंदिर को गिराने के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इस कारण मंदिर के पांडवों ने मुख मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में छिपा रखा। मूर्ति के बाद में पुरी भेज दिया गया और जगन्नाथ मंदिर के परिसर में
इंद्र के मंदिर में रखा दिया गया। कई लोगों का मानना है कि मूर्ति आज भी मिलनी बाकी है, लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी सूर्यदेव की मूर्ति कोणार्क की प्रमुख पूजनीय मूर्ति है। हालांकि सूर्य वंदना को कोणार्क मंदिर में रोक दिया गया था जब मूर्ति को मंदिर से हटा दिया गया था, जिससे तीर्थयात्रियों का आना बंद हो गया, जिसे सूर्य भाषण गतिविधियों का शहर था, लेकिन गतिविधियों के बंद होने के कारण यह पूरी तरह से उजड़ गया था और कई वर्षों तक रेत और जंगलों से ढका रहा। बाद में मंदिर की तलाशी ली गई, लेकिन मंदिर में कई हिस्से बेहद खराब हालत में मिले। फिर आज तक कोई भी दरवाजा खोलने की कोशिश करता तो उसकी मृत हो जाती। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे इस तरह के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो यही वीडियो समाप्त करते हैं। जय सूर्य देवता।